ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिमला के बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में प्रोफेसर, वकील, व्यापारी, कर्मचारियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बुद्धिजीवी लोगों का योगदान रहता है। कार्यक्रम में कृष्णा राज राज्य मंत्री भारत सरकार बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने वाली थी, परंतु खराब मौसम के कारण वह शिमला नहीं पहुँच सकी। उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां जो है बहुत पहले से प्रारंभ कर रखी हैं, जिसमें आपने देखा होगा पिछले कल 26 तारीख को जो है कमल ज्योति जो है वो नाम से जो कार्यक्रम था, सब स्थानों पर जो है वो बूथ लेवल पर दीप जलाए गए, एक एक घर में जाकर के, दुकानों में जाकर के और सब कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के। उससे पहले जो है वो 25 तारीख को भी कार्यक्रम था, 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, जो किसान सम्मान निधि सारे देश में जो है वो एक दिन में जो है वो एक क्लिक के साथ जो है वो ट्रांसफर हुई थी। उसी कड़ी में आज जो है वो प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती कृष्णा राज जी जो है वो इसमें संगोष्ठी को संबोधित करने वाली थी, लेकिन मौसम की जो है वो खराबी के कारण और उत्तर भारत के जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनको अलर्ट के कारण जो है कुछ देर के लिए बंद भी कर दिया था, अब तो खोल दिया है, इस कारण से जो है वो आ नहीं पाई। तो लेकिन ये संगोष्ठी यहाँ पर जो है वो हो रही है। ये अलग अलग जो हमारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में क्या किया है हिंदुस्तान की सरकार ने, और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का जो है वो किस प्रकार से जो है वो मान सम्मान संपूर्ण विश्व में बढ़ा है, और मोदी जी का कद किस प्रकार से जो है वो दुनिया में जो है वो एक बहुत बड़े कदावर विश्व नेता के रूप में जो है वो उभर करके सामने आया है, उसको जो है वो सब आम जनता को जो है वो जागरूक करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कई बार शक्तियों का जो है वो पता नहीं होता है लोगों को कि भी क्या हुआ है। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का जो है वो बताना पड़ा था उनको कि भी आप में क्या शक्ति है, तो वो श्रीलंका पहुंच गए थे। तो उसी तरह से जो है आम जनता को भी ये बताने के लिए कि देश में आज नरेंद्र मोदी जी की कितनी बड़ी आवश्यकता है, आज देश में जो है वो दूसरा कोई अल्टरनेटिव उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता, और आज जो देश हिमाचल एक्सप्रेस के लिए शिमला से अंकुश भवाल की रिपोर्ट।